बताइए कितने लोगों को पता है, अगर वो रूटीन उन्हें बता दी जाए और ढंग से समझा दी जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि गांव में कोई केस हुआ, लोगों ने जाके हाईवे के ऊपर जाम कर दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या पहुंचाते हुए देखना, ये भी तो एक अपराध है। ये सेक्शन 51A में, और जो वीमेन सशक्तिकरण है ये 51A में, वातावरण के प्रति जागरूकता ये 51A में है। तो एक केवल सैनिक नागरिक नहीं, एक सैनिक नहीं, एक अच्छा नागरिक भी बनाया जाए, और एक छोटा कोर्स है जिसका सिलेबस वगैरह हमने तैयार किया, तो ये सबको एप्लीकेबल है। इसलिए इसे हट दिया ने गलती करी होती है, तो जिसका जनता के ऊपर सीधा इम्पैक्ट आ रहा होता है तो हम उसका विरोध हमेशा करते हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, किसी और तरीके का मुद्दा हो। तो ऐसा नहीं है, तो ये सब चीजें बैलेंस करके हमें चलनी पड़ती है। आप लोग की जो मांगे हैं, जिसका रिजोल्यूशन लाने की मांग करें, अगर सरकार इस पर विचार करती है और उसे कंसिडर करते हैं उन्हें, तो ये संसदीय मामला बन जाता है, कानून लाना पड़ेगा। तो उसमें संसद में, क्योंकि दूसरे दलों के भी नेता होंगे, कांग्रेस के भी, दूसरे दलों के, तो अभी आप क्यों नहीं कांग्रेस वालों को या आम आदमी पार्टी वालों को, सभी दलों को हम अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो पहली बात तो ये है कि सभी दलों को, खासतौर पर जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको ये बताना जरूरी है कि RWA इस मुद्दे के ऊपर लामबंद होने जा रही है, आप लोगों के सामने ये सवाल है, इन सवालों के ऊपर आपका क्या राय और क्या समर्थन होगा। क्योंकि ये एक्टिविटीज आप देखिए कि जैसे हमने आपको कहा कि भागीदारी स्कीम कांग्रेस के समय में दिल्ली में लॉन्च हुई, यानी कि कांग्रेस पार्टी का उसको मान्यता मिली। उसके बाद में RWC स्कीम बीजेपी के शासनकाल के अंदर MCD के उसमें लॉन्च हुई, यानी कि उस पार्टी की भी उसके अंदर सहमति थी। अब आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभा की स्कीम आई तो उसके अंदर भी उसका इंटरेस्ट है, लेकिन उस सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना, उसको एक एक्ट बनाना, उसको किस तरीके से लागू करना कि वो ऐसा ना हो कि सरकारें बदलने के बाद या नेता बदलने के बाद वो चीजें से जो RWA है वो हट जाए। लेकिन आपके कॉन्फ्रेंस में ना कोई कांग्रेस वाला है ना कोई आम आदमी पार्टी का, ये लोग आप बुला रहे हैं, जैसे हमने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको बुलाया है, अभी जो सरकार जिसके साथ हमें समन्वय स्थापित करना है जिससे एक्ट के अंदर संशोधन लाया जा सके, उन लोगों को हमने अभी नेशनल लेवल पे है, इसलिए नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार से बात करी जा रही है, जैसे ये स्टेट लेवल के ऊपर जाएंगी वैसे ही स्टेट सरकार के साथ में भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। दूसरे दलों के नेताओं से भी हम लोग लगातार टचिंग है, मिलेंगे भी और उनसे भी इन में बदलाव आए कानून में, इसके समर्थन मांगे। आप लोग कब मिलेंगे सर, कुछ सभी कोई गतिविधि आ जैसे ही इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब कॉन्फ्रेंस होगी तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो RWA रेजोल्यूशन पास करेंगी उन रेजोल्यूशंस को लेकर फिर हम बाकी दलों के साथ में बैठक करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। मैं आपको जवाब दे दूं, गंगा जी से पूछ रहे थे, बिल्कुल मेरी चीज तो RWA यहां की हो या आंध्र की हो, सबसे पहले तो इंसान है, उसके बाद फेडरेशन, पहले तो इंसान है। अब इंसान को कुत्ता काटेगा वो वहां काटे या यहाँ काटे, रेबीज के इंजेक्शन, ठीक है पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद जो आपने गांधी जी को कहा कि आप बाकी नेताओं से बात करो, क्योंकि हम अभी क्यों बात करें, अभी तो हमने मुद्दा उठाना है, क्योंकि ये परेशानी सबको, डेंगू आपको भी काटेगा, संतरी को भी काटेगा, मंत्री को भी काटेगा, तो यू बेटर स्टार्ट लुकिंग एट अ सॉल्यूशन। नहीं नहीं, अगर आप आपका उद्देश्य अगर उसको कानून के रूप में लाना है तो आपको कांग्रेस से भी बात करनी पड़ेगी, सभी दलों से बात करनी पड़ेगी। ऐसा है, जवाब दिया ना, तिवारी जी ऐसा है दोस्तों जो तिवारी जी कह रहे हैं, जो अभी डेस्क ने कहा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ये एक रिजोल्यूशन ला रहे हैं, एक स्टार्टिंग है, जब देश को आजादी मिली थी एक दिन में तो नहीं मिली, आपको कोई अधिकार मिलता है एक दिन में मिलता है क्या? आप जहाँ भी सर्विस करते हो अपने एम्प्लॉयर से भी कोई राइट एक दिन मिलता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो जो भी एसओजी ने कहा है कि हम सभी राजनीतिक दलों से मिलकर इसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म और माहौल बनाएंगे कि जो हमने प्रस्ताव पास किए उनको लागू कराया जाए, इसमें बात का विषय ही नहीं है, क्योंकि एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी, और वो इसका बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता कि जहाँ ऑल इंडिया के RWA इकट्ठा हो गए, एक प्रस्ताव पास करनी है, सरकार को भी वोट चाहिए, चाहे कोई भी हो, और विरोधी पार्टियों को भी वोट चाहिए, अगर वो RWA की बात क्यों नहीं मानेंगे, उन्हें माननी पड़ेगी, हम उनको प्रेशर बनाएंगे, सभी राजनीतिक दलों को बनाएंगे, RWA में सभी राजनीतिक दल के लोग होते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि जो प्रस्ताव सब संबंधित है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, उसको हम सरकार से और विरोधी पक्षों से सहयोग लेकर
उसको लागू कराए और आप लोगों का उसमें सबसे बड़ा सहयोग है, जितनी आप पब्लिसिटी करोगे उतने और जो भी चीज है वो हमें अगर कोई बेनिफिट सरकार कोई भी नियम सरकार का बनता है उसका बेनिफिट अशोक जी को मिलता है, मुझे मिलता है, आप लोगों को मिलता है, आप सिपाही को मिलता है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे सिविल उसका हो, चाहे डिसिप्लिन का हो, जो भी चीज है या वाटर कंजर्वेशन हो, हम सब देश के नागरिक है, हर सुविधा जो भी पैदा हो वो हम सबको मिलेगी, इसलिए इसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। उस दिन आप लोग सब प्रोग्राम में आए और हमारी बात को जो रेजोल्यूशन पास हो उसको जोर शोर तरीके से अपने टीवी माध्यम से पेपर के माध्यम से उठाए जिससे सरकार की आंख खुल जाए और मोदी पार्टी की भी आंख खुले कि ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस पर विचार करने की जरूरत है। हम ऐसी स्थिति लाएंगे कि वो खुद हमें बढ़ा के बात करेंगे, हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है मित्रों, आप भी लोग किसी ना किसी मोहल्ले में किसी ना किसी ऐसे क्षेत्र में जरूर रहते होंगे जहाँ पे आरडब्ल्यू की कोई ना कोई गतिविधि है। जैसा जैन साहब ने कहा कि आपका सहयोग अपेक्षित है, तो आप ही एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जो हमारी डिमांड को आंदोलन का रूप दे देगा और फायदा आपको भी होगा। अंधा आंदोलन आपने बनाया था, अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो हमारी जो जो रिक्वेस्ट है कि आरडब्ल्यू सशक्त बन जाए कि इन पंचायत की ताकत से भी बड़ी ताकत मिल जाए। गांव से निकल के हम शहर में आके बसे हैं, गांव में तो हमें पंचायत का एक क्षेत्र रक्षण उपलब्ध था, शहर में नहीं है। अपनी नाली को ठीक करने के लिए हम धक्के खाते हैं, अपनी बिजली को ठीक करने के लिए हम धक्के खाते हैं, अपने पास एक ढीला पैसा सरकार नहीं देती, अपने जेब से लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक करवाते हैं। इस सारी सिचुएशन को बदलने के लिए जितनी मजबूत एक पंचायत है उससे ज्यादा सशक्त आरडब्ल्यू चाहिए, क्योंकि एक अर्बन एरिया में काम कर रही है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग तो बहुत ही बड़े रूप से अपेक्षित है। हमारी इच्छा है आप इसे आंदोलन बना दें।